अपनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा चेस्ट पे लड़कियों कैसे, वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। इस वीडियो से हमें सब पता चलता है हमारी भारत में जिसे हम भारत माता कहते हैं आज उन्हीं की देशों में उन्हीं की बेटियां सुरक्षित नहीं है। करीब 13 दिन होने जा रहा है दिल्ली के जंतर मंतर के सामने देश के लिए पदक जीतने वाले महिला रेसलर विनेश फोगट, बजरंग पुनिया एंड साक्षी मलिक जैसे और भी कुछ रेसलर सेक्सुअली हैरेसमेंट और फिजिकली अब्यूज करने के जुल्म में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब तक इसका कोई भी हाल या समाधान नहीं निकला है क्योंकि ये प्रोटेस्ट एक ऐसा इंसान के खिलाफ हो रहा है जो कि बीजेपी का सांसद और WFI का प्रेसिडेंट बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह, जिसे आप डॉन भी कह सकते हैं क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने एक मर्डर भी कर चुका है और ये बात इन्होंने खुली मीडिया के सामने लल्लन टैप की एक इंटरव्यू में कहा था। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहे मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। ये बात अलग है लेकिन पिछले बुधवार अमित शाह की दिल्ली पुलिस दिल्ली के जंतर मंतर पे महिला रेसलरों के साथ जिस तरह से बदसलूकी किया है, जिस तरह से गली गलौज किया है, जो कि पूरे देश के लिए एक शर्म की बात है। जहां दिल्ली पुलिस को बृजभूषण शरण सिंह जैसा आदमी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, वहां पे पुलिस क्या कर रहा है, इन महिलाओं को, इन रेसलरों की प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहा है। इससे हम समझ सकते हैं ऐसे देश में हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं। असल में पिछले बुधवार दिल्ली के जंतर मंतर पे महिला रेसलरों के साथ पुलिस का ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये मामला और भी ज्यादा गर्म हो गया, आइए समझते हैं। इतनी इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा चेस्ट पे लड़कियों कैसे, वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अपनी टॉपिक में वापस आते हैं, हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी जो कि देश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है, मन की बात सुनने की बात करता है और जिन्होंने खुद विनेश को अपनी घर की बेटी कहा है। और विनेश ये तो मेरे ही परिवार की है क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? देखिए तुमने बहुत अच्छा खेला है। आज वही मोदी जी हमारी देश की बेटियों की बात नहीं सुन रही है, इन रेसलरों की बात नहीं सुन रही है। पिछले बुधवार दिल्ली में भारी बारिश होने के नाते जंतर मंतर के सामने पानी जम गई और इन रेसलरों ने रात को सोने के लिए बिस्तर, उनकी भाषा में जिसे फट्टा कहते हैं, वो फट्टा मंगवाई। लेकिन जब फट्टे को गाड़ी से अनलोड किया जा रहा था तभी नशे में धुत कुछ दिल्ली पुलिस ने उन रेसलरों के साथ मारपीट किया, बदसलूकी की और महिला पुलिस ना होते हुए भी कुछ पुलिस ने महिला रेसलरों को धक्का मारा, उन लोगों को गली गलौज किया। और बाद में जब दिल्ली कमीशन के चेयरपर्सन स्वाति मलाईलाल जंतर मंतर पे पहुंचा तब देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस ने उनके संग बदसलूकी की है। लेकिन इतने सब कांड होने के बावजूद हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी जो कि पूरी तरह से चुप हैं, आतिक अहमद के बाद उत्तर प्रदेश की और एक डॉन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उन्होंने ये साफ कह दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उनको कह देंगे तो वो अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरह से चुप बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है इन दोनों को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन दिल्ली पुलिस की इस हरकत पे ये जो प्रोटेस्ट जिस तरह बोल ले रहा है इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना ही होगा। और दिल्ली पुलिस की इस हरकत के बाद काफी चेहरों से नकाब हट गया है। अमित शाह की दिल्ली पुलिस जिसके पास रेसलरों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR करने के लिए पहुंचा तब पुलिस ने FIR लेने से साफ इनकार कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर किया गया FIR लेने के लिए तब पुलिस ने FIR किया और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप ही नहीं पॉक्सो का आरोप भी लगाया गया है। फिर भी वो इंसान बाहर घूम रहा है, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं चल रही है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। हमारे प्रिय स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जिसने रेसलरों से वादा किया इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन अभी तक असफल रहा। अमित शाह की दिल्ली पुलिस जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए काम कर रही है, क्या ये प्रोटेस्ट रोक दिया जाएगा या ये प्रोटेस्ट एक नया मोड़ लेगा? हम लोग एक ऐसे देश में रह रहे हैं क्या हम सरकार के खिलाफ सवाल भी नहीं कर सकते हैं? और तो और दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्टरों के साथ जो कुछ भी हो रहा है क्या ये सही हो रहा है? कमेंट करके बताइए।